चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पञ्चाकल्पगरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते, कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीसह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भक्तापीनापराधलक्ष्यैर्दीप्तास्तिकामादितरङ्गमध्ये, कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दन्नमस्ते चरणारविन्दम्। हे श्रीसनातनप्रभुकरुणाम्बरासे, हे रूपदुर्गतजने दयावलोकै, हे भट्टयुग्मसुमतिरघुनाथदास श्रीजीविमन्दमतीर्दयाङ्गभरा, तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुन्दावतारम्, अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जय रूप सनातन भट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट दास रघुनाथ। हे छय गोसाई करी चरण बंदन, जाहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री 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 मातु भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री 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 मातु भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी का मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री नारद जी, जिनका नाम ही नारद। नारद मतलब क्या होता है? नार मतलब होता है रस, और द मतलब सबको जो रस देते हैं। अजनार मतलब होता है ज्ञान, अर्था मतलब सबको जो ज्ञान प्रदान करते हैं। नर मतलब होता है आसक्ति, अर्था मतलब होता है खंडित, जो जीव का भव बंधन को जो खंडन करते हैं। इसलिए नारद जी बड़े कौतुकी, नारद जी बड़े कौतुक। देखना इनके बगैर भगवान की कोई लीला नहीं, कोई भी लीला देख लो सबसे पहले नारद। इसलिए कभी कभी संसार में नारद जी का अपना बदनाम हुई है। क्या कहते हैं, तो क्या नारद जी का काम कर रहे, मतलब क्या तुम लड़ाई लगा रहे, झगड़ा करवा रहे? कहते नहीं, नारद जी झगड़ा नहीं है, इनकी कृपा के बगैर जीव को ज्ञान रस और भक्ति
इनके कृपा के बगैर जीव को प्राप्त नहीं। इसलिए नारद जी को पता है कृष्ण के सबसे बड़े कृपा पात्र कौन, सब उनको पता है। लेकिन ये जानते हुए भी हम लोगों को जनाने के लिए श्री नारद जी एक भक्त से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे भक्तों के पास में जा जा करके उन्होंने भक्ति की महिमा को बढ़ा रहे। सर्वप्रथम कहाँ पर गए, तीर्थराज प्रयाग, वहां पर ब्राह्मण को देखा कैसे ठाकुर जी का सेवा पूजा कर रहा है। उनकी सेवा पूजा को देख करके बोले, आपके जैसे जगत में बड़े भक्त कोई है नहीं, सबसे बड़े भगवान की कृपा पात्र आप हो। लेकिन भक्ति का एक गुण है, ये क्या गुण है, बोले नम्रति फल में वृक्षा, नम्रति गणा में जाए। जैसे किसी वृक्ष में जब ज्यादा फल आ जाए ना, वो कभी खड़ा नहीं होता, वो अपने आप झुक जाती है। जिसको अंदर में जितने भक्ति होएगी उसको अंदर में उतना दिनत आएगा, घमंड नहीं आएगा। अगर किसका अंदर में घमंड है भक्ति करते हुए, समझना फिर उसका अंदर में भक्ति नहीं। इसलिए राधा रानी खुद कहती है, मेरे अंदर में तो भक्ति की गंध तक भी मेरे अंदर में नहीं। ये कौन कह रहे हैं, श्री राधा रानी कह रही। इसलिए फिर उन्होंने वहां से उन्होंने किसकी महिमा बताए, ये जाओ दक्षिण देश में चले जाओ, देखो स्वयं राजा होते हुए भी कोई अभिमान नहीं, अपना पत्नी बच्चों को लेकर के साक्षात श्री भगवान नारायण की कैसे सेवा करते, उनको देश में देखोगे सबके सब ललाट में तिलक देखोगे, सबकी गले में कंठी देखोगे, सबको देखोगे भगवान की नाम को जप करते हुए देखोगे, और वहां पर सर्वत्र अन्न छत्र खुला हुआ है, कहीं भी जाओ प्रसाद, कहीं भी जाओ सत्संग, सर्वत्र तुम देखोगे भगवान की। होने पर हमारे लिए इंद्रपद नष्ट हो जाता है, तब तक स्वर्ग में रहते हैं, बोले चावत पुण्यम न समाप्त, जब तक हमारी पुण्य नष्ट नहीं हो जाता ना तब तक स्वर्ग में रहते हैं, और पुण्य खत्म होती फिर हमारी भी खत्म होती। अगर कोई मरते जगत में थोड़ी सी भजन करना शुरू करे, सबसे पहले मेरा आसन तगमगा के गिर जाता। इसलिए इंद्र कितने बार गड़बड़ी करने के लिए कोशिश की, कितने बार गड़बड़ी करने के लिए कोशिश की। इसलिए भैया हम तो हर समय डरे हुए रहते हैं, और कभी कभी तो भगवान को साथ में भी लड़ पड़े, ठाकुर जी को साथ में लड़ पड़े कहीं कहीं। इसलिए और मैंने क्या किया, संपूर्ण वृंदावन को डुबने के लिए मैंने सात सात दिन तक मैंने बारिश करवाई। भगवान केवल एक तल्प वृक्ष मांगने के लिए आए, पारिजात वृक्ष, और हमने भगवान से लड़ पड़े, भगवान को जिसने कृपा करके हमें ये इंद्र पद दिया था उनको साथ में ही हमने लड़ाई कर दी। इसलिए भैया मेरे अंदर में भक्ति की भय नहीं, और भक्ति देखना तो कहाँ जाओ, ब्रह्मा जी को पास में। जब ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा जी भी यही बात बताए, हैं? ब्रह्मा जी भी यही बात बताए, मैंने कितना बार ठाकुर जी की चरण में मैंने अपराध हमने किए, हैं? इसलिए उनके बछड़े सखाओं को चोरी की, और मेरे अधीन में जो जो व्यक्ति रहते हैं वे भी कृष्ण चरण में बड़े अपराध किया। अगर भक्त देखना चाहते हो ना कहाँ जाओ, भोले बाबा के पास, हाँ श्री शंकर जी के पास में जाओ पास। इतने में श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री कहाँ पर पहुंच गए, श्री भोले बाबा के पास में। बोले श्री भोले बाबा की जय, बोले श्री शिव शंकर की जय। इसलिए श्री भोले बाबा के पास में पहुंचे। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे शंकर जी कैसे सत्यम शिवम सुंदरम कैसे, लेकिन नाम तो सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन उनका जो रूप है ना वो सुंदर नहीं, ऊपर से देखोगे बड़े अपवित्र है। लेकिन वो अपवित्र क्यों, धधुरे फूल, आतंक का फूल, गले में सांप, जटा जूट, बिच्छू सांप लटक रहे हैं, लेकिन इस बेस को उन्होंने क्यों धारण किए, क्योंकि वो संत हैं। संत क्या करते हैं, अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, छपवाने के लिए नहीं, वो छुपाने के लिए चाहते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान की भक्ति में जो मस्ती है ना,
भगवत भक्ति में जो आनंद जो रस है और कहीं भी नहीं, और कहीं भी नहीं। इसलिए शंकर जी कहाँ चले गए, कैलाश गोपर गर्भपात में चले गए, भैया यहाँ पर कोई हमें डिस्टर्ब मत किया कर। इसलिए आप कहीं भी शंकर जी कहीं भी मूर्ति देखोगे ना, देखना ध्यानस्थ शंकर जी, ध्यानस्थ में, ध्यानस्थ में क्या करते हैं, बोले पंचमुख राम नाम काम त्रिपुरारी। शंकर जी हर समय पंचमुख में भगवान के नाम जप करते हैं। इसलिए महामंत्र जयी जपत महेशा, इसलिए हर समय शंकर जी भगवान का नाम जप करते श्री शंकर जी। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे नारद जी शंकर जी की कितने महिमा उन्होंने शंकर जी के बताए, शंकर जी के कितने महिमा बताए। बोले देखो भगवान कृष्ण भी आपको कभी उपासना की है, देखो जिस समय रामेश्वर की स्थापना की, रामेश्वर को किसने स्थापना किया है, भगवान ने राम। जब भगवान ने राम रामेश्वर की स्थापना की, इसको ठीक से सुना, जब रामेश्वर का स्थापना की और उनका नाम रख दिया रामेश्वर। अभी ये बात को देख करके श्री हनुमान जी सब जानते हैं, साधारण लोग बोलेंगे रामेश्वर मतलब क्या, राम का जो ईश्वर है, यही तो समझेंगे ना। लेकिन इस शंकर जी कौन है, हनुमान है शंकर जी, और हनुमान जी कौन है, शंकर जी है ना। इसलिए रुद्र बानर भय हनुमान, जब शंकर जी ने देखा ये रुद्र स्वरूप से मैं प्रभु का सेवा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने रुद्र स्वरूप का त्याग करते हुए बानर भय हनुमान, शंकर स्वयं ये हनुमान का रूप में प्रभु का सेवा नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु का गुण क्या है, प्रभु हर समय भक्तों का बड़ाई करते, प्रभु का यही गुण है, भक्तों का हर समय भगवान अपना भक्तों को हर समय ऊंचा आसन देते हैं। इसलिए कृष्ण सखाओं के साथ में कुश्ती करते लड़ते हैं, श्रीदाम का साथ में कुश्ती लड़ते हैं, लेकिन श्रीदाम ही कृष्ण को पहचान देता है, बोले कन्हैया हार गया घोड़ा बन, हमें घोड़ा बना दे, भगवान घोड़े बनकर खुश होते हैं। लेकिन भगवान, क्या भगवान को कोई परास्त कर सकते हैं, घोड़ा बन सकते हैं, लेकिन भगवान क्यों बनते हैं, भगवान भक्तों को बढ़ाई दे करके भगवान का आनंद मिलता है, भगवान बड़े होकर के भगवान को आनंद नहीं मिलता है। इसलिए भगवान सुदामा जी का क्या किया, सुदामा जी ने चरण धोए, चरण धोए, इसलिए उन्होंने चरण धो करके भक्तों की बढ़ाई उन्होंने दिया। इसलिए भगवान भक्तों को बढ़ाई हर समय देते हैं। ठाकुर जी बात मत करो, एक व्यक्ति आकर बात करना शुरू करो, चुपचाप वही बैठो। इसलिए ये भगवान की ये स्वभाव है। अभी हनुमान जी ने देखा लोग जब सुनेंगे रामेश्वर, साधारण लोग क्या समझेंगे, राम का जो ईश्वर है। इसलिए हनुमान जी ने देखा मैं तो स्वयं शंकर हूं, मैं थोड़ी राम का ईश्वर मैं हूं, मैं तो प्रभु की चरण की सेवा करता हूँ, ठाकुर जी की चरण की सेवा करता हूँ, दुनिया तो इसमें भ्रमित हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी स्वयं प्रभु जी से पूछे, बोले प्रभु जी ये रामेश्वर आपने जो नाम दिया है, ये रामेश्वर का मतलब क्या होता है। बोले सीता मतलब राम का जो ईश्वर है। जब उन्होंने ये बात को बताया, इतने में जब सीता बता दिया राम का जो ईश्वर वही ईश्वर, फिर देवताओं को पूछे, बोले भैया रामेश्वर का मतलब क्या, बोले राम शिव दो ईश्वर, बोले राम भी ईश्वर है और श्री शंकर जी भी ईश्वर है। जब ये बात को बोले उसी समय शिवलिंग फट गया, वह शिवलिंग फट गए, स्वयं शंकर जी वहां प्रकट हुए। बोले मूर्खों भगवान हर समय अपना भक्तों को बढ़ाई देते हैं, ये ठाकुर का स्वभाव है। कहा मैं प्रभु का हनुमान बन करके मैं क्या करता हूँ, जब राम दरबार में हनुमान जी कहाँ बैठे हैं, ठाकुर जी की चरण में बैठे हैं ठाकुर जी की। अभी हम हनुमान की कथा सुनेंगे, मैं स्वयं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, अब प्रभु हर समय भक्तों को बढ़ाई देते हैं और तुम लोग भी इसको सुन लिए। स्वयं शंकर बोले रामेश्वर का मतलब होता है राम जस्य ईश्वर स एव रामेश्वर, राम जिनका ईश्वर है, ये स्वयं
शंकर जी ये बात तो शंकर जी बताए, इसलिए यहाँ पर श्री शंकर जी कहते हैं भैया भगवान कृष्ण भी एक समय शंकर जी की उपासना की। बोले क्यों? बोले कृष्ण के 16108 बट रानियां हैं, हर रानियों का 10-10 बेटे और एक एक बेटी सभी का, लेकिन एक पत्नी की कोई बेटी संतान नहीं। इसलिए कृष्ण ने क्या किया? शंकर जी की उपासना की। उपासना की तो शंकर जी बोले प्रभु आप देखो आपकी कैसे माया है, हैं? सारा दुनिया का मालिक आप हो, हम मेरे को उपासना कर रहे हो, इसलिए बोले प्रभु क्यों उपासना कर रहे हो? बोले मैं सब रानी का तो बच्चा है लेकिन एक रानी का बच्चा नहीं। तब शंकर जी बोले ठीक है आपका एक रानी का भी बच्चा है, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण हमको उपासना की। जो उपासना की है शंकर जी क्या सिखा देते हैं? बोले भैया जो व्यक्ति मुक्ति चाहते है ना, संसार की बंधन से उद्धार चाहते हो, वो तो सबके सब राम और कृष्ण को भक्ति करो, लेकिन जो व्यक्ति दुनियादारी चीज चाहता है, रुपया पैसा धन दौलत बेटा बेटी, आप मेरे को भुजा करो, मैं ये दुनिया की वस्तु प्रदान करूंगा, लेकिन जो भक्ति है ये तो मेरे प्रभु राम और कृष्ण ये भक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए देखना शंकर जी को सबके सब उपासना तो करते हैं, लेकिन शंकर जी से कोई भक्ति नहीं चाहते। शंकर जी से क्या चाहते हैं? ये दुनिया की वस्तु शंकर जी से चाहते हैं, लेकिन शंकर जी कौन है? इसलिए भागवत में बताया शंकर जी वैष्णवानाम यथा शंभो, कहते भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा सबसे, इसलिए बोले ना हरिहर एकात्मा, सबसे भगवान के प्यारे भक्त। हर लीला में देखो शंकर जी किसी ना किसी रूप में प्रभु का सेवा में आते हैं, राम लीला में हनुमान बन गए, कृष्ण लीला में शंकर जी गोपीश्वर बन करके गोपी रूप में आए, और चैतन्य महाप्रभु लीला में शंकर जी श्री अद्वैत आचार्य बन करके शंकर आए, और उन्होंने जगत का दुर्दशा को उन्होंने देखा कैसे जीव भगवान से विमुख होकर के संसार में कैसे दुख कष्ट होता है। बोले जब तक मेरे प्रभु इसी दुनिया में नहीं आएंगे तब तक इनका कल्याण कोई नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने गंगा जल और तुलसी दे करके भगवान को उन्होंने आह्वान की, और इनकी आह्वान से शंकर जी की आह्वान से सदाशिव के आह्वान से भगवान स्वयं गोलोक वृंदावन छोड़ करके श्री सचिनंदन श्री गौर हरि रूप में जगत में आए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय, जय श्री राधे। और इन्होंने जगत में आकर के इसलिए हमारी एक कीर्तन है, बोले दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चरितन साई, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, Hare 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 Rama Hare Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Jai Jai Gopal, Jai Jai Govinda, 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 ये दोनों वैष्णव है और पूरा सबको ले करके शंकर जी पास हाथ उठा करके भगवान की कीर्तन में उन्माद जैसे पागल होकर के शंकर जी प्रभु का नाम को जप कर रहे हैं शंकर जी हैं। इसलिए बोले भोले बाबा आप जगत में सबसे बड़े भक्त श्री भगवान की, आपके जैसे भक्त जगत में कोई नहीं है। जब ये बात बोले ना शंकर जी बोले भैया मेरे अंदर में भक्ति का भाव ही नहीं, मेरे अंदर भक्ति का भाव ही नहीं। बोले क्यों? क्योंकि जिसको अंदर में जितने भक्ति होगा वो उतना कमी देखते हैं, अपना महिमा को नहीं देखते हैं, अपना कमी को देखते हैं। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले अगर मैं भक्त होता भगवान का, इसलिए भागवत में एक प्रसंग आता है बाणासुर का कथा। ये बाणासुर असुर था, ये शंकर जी की पूजा करता था। एक दिन किया हुआ बाणासुर की दो हाथ में उनने खूब ड्रम बजाया, शंकर जी कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के खूब कृष्ण कीर्तन, जैसे हम लोग नाचते हैं ना मृदंग बजा कर खूब नाचते हैं, शंकर जी खूब नाचे। शंकर जी को इतने आनंद, इतने आनंद शंकर जी को आया। शंकर जी ने कहा बताओ क्या वर चाहिए? बोले मेरे को 1000 हाथ दे दो। शंकर जी ने देखा उसने दो हाथ में ड्रम बजाया, इतने आनंद हुआ। जब 1000 हाथ दे दूंगा क्या होगा, फिर 1000 हाथों से जब ड्रम बजाएगा मैं तो भगवान की
प्रेम में खूब नृत्य कीर्तन कर गए तथा अभी बाणासुर को जब उन्होंने वरदान दिया 1000 हाथ, उसका इतने बल इतने शक्ति था, एक एक मुष्टि का घात में बड़े बड़े पर्वत को चढ़ना शुरू कर देता था। अभी उसकी जिसको जिसको पास में जाए ना, हाँ, उसको हाथ में खुजला हाट बच गया। कोई भी 1000 हाथ में कितना शक्ति होगा आप पता लगाओ। सब देख कर भाग गए, बोले भैया 1000 हाथ ये तो हमें चकना शुरू कर देगा, कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं। बोले भोले बाबा, आप शक्ति तो आपने दिया है ना, आप मेरे हाथ में 2 हाथ करे। बोले ये दुष्टों को मैंने दिया, इसको मैंने वरदान दिया, और ये कहता है मेरे साथ में लड़ाई करने के लिए। बोले तुम्हारे जितने खुजला हाट है ना, सब खत्म हो जाएगा, भगवान कृष्ण तुम्हारे सारे खुजला हाट को खत्म कर देंगे। अभी इनकी एक बेटी थी जिसका नाम थी उषा, वो बड़ी सुंदरी थी, बड़ी प्यारी थी, हैं, बड़ी प्यारी थी। इतने में भगवत इच्छा से क्या हुआ, कृष्ण का एक पुत्र था, क्या नाम था, ये कृष्ण का बेटा था अनिरुद्ध है, इसलिए उन्होंने अनिरुद्ध को ये जोग माया ने क्या की, उसका खटिया समेत ला करके और इसका जो बेटी जो उषा थी वहां छोड़ दी। और कृष्ण जैसे, कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण कितने, तो उसको पुत्र कितना सुंदर नहीं होगा, पिता का सुंदर तो बेटा में आता है ना, बड़े सुंदर कृष्ण जैसे बड़े बड़े आंख है, अजान लंब तो भूल जाएगी, क्या उनकी सुंदर। उन्होंने ला, हाँ, क्या हुआ, एक दिन उषा ने स्वप्न देखी, क्या स्वप्न देखा, बड़े सुंदर एक पुरुष मेरे पास में आए और मेरे को बड़ा प्रेम किया, और प्रेम करते देते हुए कहीं अंतर्ध्यान हो गया। इतने में तो रोने लग गई, जो रोने लग गई, अभी उषा की एक सखी थी जिसका नाम था चित्रा, हाँ, जिसका नाम था चित्रा, उसने कहा क्या बात है, बोले एक सुंदर पुरुष को मैंने स्वप्न में देखा, इतने सुंदर पुरुष दुनिया में हम कहीं देखे नहीं, और मेरे पास में आए और मेरे प्रेम को देखकर कहां अंतर ध्यान हो गया। वो जो चित्रा थी वो बड़ा जोगिनी थी, बड़ी जोग शक्ति, तो उसने एक एक गंधर्व अप्सरा देवता घूमने एक एक फटोली चित्र बनाया। बोले बताओ उसमें कौन है, ये है, बोले नहीं, बोले ये है, बोले ये नहीं, बोले ये है, बोले नहीं। लेकिन जब उन्होंने जदुवंश की फटो बनाई, जब उन्होंने कृष्ण का फटो बनाया ना, बोले ये तो है नहीं, लेकिन इनकी जय सही है, एकदम इनकी जय सही है। जब उन्होंने श्री अनिरुद्ध का जब उन्होंने फटो बनाया, बोले यही है, यही पुरुष है। तो उन्होंने अपना जोग शक्ति से पूरा खाट समेत ला करके इनको पास में छोड़ दिया। अभी दोनों प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन वहां पर जो रखवाली थे, अभी इनकी बेटी के शरीर में ऐसे कुछ चिन्ह देखा, बोले लगता है कोई पुरुष को साथ में ये रहता है, इसकी जो हाव भाव दिख रहा है, कोई पुरुष को साथ में। उसने जाकर बाणासुर को बोल दिया, तेरे वंश में तो कलंक लग गया है। बोले क्या हुआ, बोले तुम्हारी बेटी का भी शादी नहीं हुई, लगता है तुम्हारी बेटी को पास में कोई दूसरे पुरुष है। इतने में बाणासुर ने अपना सैन्य बल को साथ में आए और आकर के देखा वहां पर अनिरुद्ध और उषा दोनों पासा खेल रहे हैं। अभी सैन्य सामर्थ्य उसको आक्रमण किया, लेकिन ये कौन अनिरुद्ध है, ये साधारण नहीं, कृष्ण की बेटा है, इतने ताकत है ना, कृष्ण जैसे ताकत है, एक मारे तो बाणासुर को भी खत्म करते। लेकिन जब उन लोगों ने आक्रमण किया, इतने में देखा भैया अभी तो इसी बेटी को साथ में मेरी संबंध हो गई, ये तो मेरे ससुर साहब हो गई, अगर एक मारे, अगर ससुर को अगर मैं खत्म कर देता हूँ फिर बदनामी होगी, इसलिए अभी इनको उन्होंने बंधन बांध करके जेल में डाल दी। इतने में नारद जी पहुंचे कहाँ, द्वारका में, बस कीर्तन करते करते नारद जी वहां पहुंच गए। इतने में नारद जी कृष्ण को बोले, तुम तो हर पत्नियों से 10-10 बेटे एक एक बेटी जन्म दिया, कौन बेटा कहाँ पर है कि नहीं, कोई खबर खबर रखता कि नहीं, ना कि बेटा जन्म दे दिया, तुम्हारे बेटा अनिरुद्ध कहाँ है। बोले मैं तो यही सोच रहा हूँ कहाँ गया, अभी तक आया नहीं। बोले बाणासुर ने उसको जेल में बंद करके रखा, बाणासुर जेल में बंद कर दिया।
बोले इतना हिम्मत बड़ा सुर जल में बंद कर दिया, अभी मैं मजा चखाता हूँ। इतने में कृष्ण चतुरंगिणी सैनिक को लेकर के आए। कृष्ण के साथ में कौन है? स्वयं कृष्ण, स्वयं दाऊ भैया, स्वयं अनिरुद्ध प्रद्युम्न चतुर्व्यूह और उनकी जितने सैनिक, नारायण सैनिक, जितने उनके द्वारका के जितने सैनिक एक तरफ में। बोले दूसरे तरफ में कौन? बोले बाणासुर। और कौन? बोले जगदम्बा जगत जननी पार्वती। और कौन? स्वयं भोले बाबा। इनकी पत्या श्री भोले बाबा भी इनका पत्या ले लिया। बोले कोई चिंता नहीं, चलो मैं भी तेरे साथ में युद्ध करूंगा। हम लोग ने सुना है महाभारत युद्ध, हमने सुना है, सुना है ना महाभारत युद्ध? कहते इसको सामने महाभारत युद्ध कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वहां पर तो कौरव पांडव लोग युद्ध किए, यहाँ पर कौन स्वयं युद्ध कर रहे हैं? भगवान स्वयं जगन्नाथ, जगतपति जगन्नाथ और श्री ताऊ भैया हैं। दूसरे तरफ में कौन है? स्वयं देव देव महादेव, सत्यम शिवम सुंदरम। उनको पक्के में और कौन? माँ पार्वती, बाणासुर, कार्तिक, गणेश। कहते ये युद्ध पृथ्वी का सबसे घमासान, सबसे जो रोमांचक जो युद्ध, ये युद्ध है। और वहां पर शंकर जी भाग लिए। इतने में युद्ध होते होते कृष्ण ने क्या किया? शंकर जी को ऐसे बाण मारे ना, जिब्रान अस्त्र प्रयोग किया। और शंकर जी को तो जम्भाई के ऊपर जम्भाई, जम्भाई के ऊपर जम्भाई। भैया युद्ध कब होता है? युद्ध कब होता है? मरना और मारना। लेकिन इसमें जम्भाई का क्या काम? शंकर जी रण छोड़कर चले गए। हैं माँ देवी ने जब देखा ये परास्त हो रहे, माँ देवी स्वयं प्रकट, नंगी होकर प्रकट हो गई। हैं भगवान मुंह मोड़ दिए और उन्होंने बाणासुर की एक एक करके हाथ को भगवान काटना शुरू कर दिया। सारे हाथ को, 1000 हाथ था, चक्र से, सुदर्शन चक्र ने प्रभु काटना शुरू कर दिया। काटते काटते जब 2 हाथ रह गया ना, इतने में भोले बाबा आ गए, आ करके कृष्ण के चरण में गिरे। बोले प्रभु ये मेरा भक्त है, अब इसको मारो मत, ये मेरा भक्त है। शंकर जी ने कहा इसको नहीं, भगवान जगन्नाथ बोले इसको मैं मारूंगा नहीं, इसको मैं नहीं मारूंगा, किंतु इसका अंदर में जो अभिमान हो गया था ना, ये अभिमान को मैं दूर कर रहा था, उसको नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारूंगा? क्योंकि ये प्रह्लाद का वंशज है, मैंने प्रह्लाद को वरदान दिया, देखो तेरे वंश में कोई भी आएगा, तुमने मेरी जो भक्ति की है ऐसे भक्ति कोई नहीं कर सकते। मैंने प्रह्लाद को बोले तुम्हारी वंश में जो कोई आएगा मैं कभी उसको मारूंगा नहीं, ये प्रह्लाद की बेटे की बेटा का ये बेटा है, इसको मैं मारूंगा नहीं। लेकिन इसकी अहंकार को मैं, हैं, अहंकार को दूर कर रहा था। इतने में श्री शंकर जी बाणासुर को ला करके कृष्ण चरण में समर्पण कर दिया। प्रभु आज से ये तेरा भक्त बन गया, तेरे भक्त बन गया, आप इसको रक्षा करो। जगन्नाथ जी उसको अभय प्रदान की। देखो यहाँ पर 2-3 बातें हैं। पहला बात है शंकर जी कहते हैं अगर मैं भगवान की प्रिय होता कभी जगन्नाथ जी को साथ में युद्ध करता, भगवान कृष्ण को साथ में मैं कभी युद्ध करता? कभी युद्ध करता ही नहीं, लेकिन मैं इनको साथ, इनकी बाणासुर का पक्ष लेकर मैंने युद्ध किया, ये एक है। दूसरी चीज सिखा दिया, जो मेरे शरण में आए हैं, जो मेरे शरण में आए हैं अगर वो ठाकुर जी की शरण में नहीं गए ना, उनका विनाश है। जैसे रावण वो किसको पूजा करता था? शंकर जी को। 10 बार उनने सिर चढ़ाया लेकिन प्रभु राम की शरण में नहीं आया, वंश समेत खत्म। लेकिन शंकर जी कहते जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, इसको मैं लास्ट में कहां क्या करता हूँ, उसको लेकर के भगवान कृष्ण की चरण में शरणागत करा देता हूँ। जब शरणागत करा देता हूँ समझना मेरी पूर्ण कृपा। इसलिए शंकर जी के सबसे बड़े भक्त थे श्री नरसिंह भक्त। कल बोल रहा था ना, ये नरसिंह भक्त शंकर जी के कनिष्ठ भक्त थे। शंकर जी संतुष्ट होकर के बोले बेटा भर मांगो। बोले प्रभु आपका जो सबसे प्रिय वस्तु मेरे को प्रदान करो। शंकर जी बोले मेरा सबसे प्रिय तो बांके बिहारी। सबसे प्रिय कौन है?
बांके बिहारी मेरी प्रिय, मैं तुम्हें बांके बिहारी की भक्ति तुम्हें प्रदान करता हूँ। फिर उन्होंने शंकर जी की कृपा से उन्होंने श्री बांके बिहारी की भक्त बने और इतने बड़े भक्त बने, इतने बड़े भक्त बने जिनकी बेटी की शादी में भात भरने के लिए, शादी कराने के लिए स्वयं बांके बिहारी सावरिया सेठ बन करके उसकी बेटी को शादी करवाने जाते। इसलिए शंकर जी कहते भैया और भगवान ने मेरे से क्या करवाया, देखो मेरे से क्या करवाए, ये मायावाद को प्रचार करो। इसलिए शंकर स्वयं शंकर बन करके इन्होंने जगत में ये मायावाद को, ये ब्रह्मवाद को उन्होंने जगत में स्थापन किया। क्या बोले, भगवान का रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, भगवान तो निराकार है, भगवान तो निर्विशेष है। इतने गंदा फिलोसफी भगवान मेरे से प्रचार करवाया। अगर मैं भगवान की भक्त होता मेरे से इतने गंदा काम ठाकुर करवाते, कभी नहीं करवाते। इसलिए मैं भगवान की भक्त है ही नहीं। हाँ, अगर भक्त देखना चाहते हो ना, क्या जाओ, कहाँ जाओ, वैकुंठ चले जाओ। कहाँ जाओ, वैकुंठ चले जाओ, देखोगे वहां पर भगवान की भक्ति देखोगे। जब बोले इतने में श्री नारद जी अनुभव माधुरी बोला। इसलिए फिर नारद जी अपना बिना बजाए और बिना बजाते बजाते श्री नारद जी कहाँ जा रहे, अभी वैकुंठ जा रहे हैं, वहां भक्तों को दर्शन करने के लिए। एक भजन सुन लो, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, केशव काली मलहारी, जय केशव काली मलहारी, जय माधव मलहारी, सुंदर कुंडल नयन विशाल, सुंदर कुंडल नयन विशाल, गल सोहे जंती माला, गल सोहे जंती माला, या छवि बलिहारी, या छवि बलिहारी, जय Thank you.
संग धेनु चराई बाल बाल धेनु चराई वन वन ब्रह्म सपीरे वन वन ब्रह्म कांधे मर कारी जय चूरा चूरा नवनीत जो खायो चूरा चूरायो ब्रजवानी तन पे नाम धरायो ब्रजवानी हरे बोल हरे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री नारद जी बिना बजाते बजाते वैकुंठ में पहुंचे कहां पहुंचे बोले ये वैकुंठ मतलब क्या होता है बोले वैकुंठ मतलब होता है जहां पर किसी तरह का कुंठा धर्म नहीं जहां पर जन्म नहीं जहां पर मृत्यु नहीं जहां पर भय नहीं जहां पर डर नहीं जहां पर कोई बूढ़े नहीं होते जहां पर कोई जन्म नहीं होते कहते वहां के जितने वस्तु भी कहते वहां के पशु पक्षी वृक्ष लता पता वो कोई साधारण नहीं कहते हैं ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे राधे इसलिए वैकुंठ का सब वस्तु चिन्मय वस्तु है वहां सारे वस्तु
चिन्मय वस्तु अपराकृत दिव्य वस्तु श्री वैकुंठ धाम में। और वैकुंठ जो वासी है उनका क्या स्थिति, बोले वहां पर चार तरह का मुक्ति उनको प्राप्त होता है, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य और सामिप्य। ये पांच चार प्रकार का भक्ति वहां पर है, चार प्रकार का मुक्ति है। कहते वहां पर जितने वैकुंठ वासी है ना, सारूप्य, सारूप्य मतलब वहां पर सभी का रूप देख कर चतुर्भुज है। वहां के जितने भक्त हैं, जिस जय और विजय, जैसे भगवान की चार हाथ है उनका भी सबके चार हाथ, जैसे भगवान की शंख चक्र गदा पद्म उनको हाथ में भी देखोगे शंख चक्र गदा पद्म, फिर क्या सबके सब बराबर नहीं। पर भगवान के हाथों में जो गदा है उसका नाम कौमुदी गदा, ये विशेष चिन्ह है। और भगवान का हाथ में जो चक्र है वो सुदर्शन चक्र है, जो शंख है पांच जगह शंख है, और जो कमल है वो लीला कमल है, ये विशेष चिन्ह है जितने भी सारे भक्तों में। इसलिए सारूप्य जैसे उनका रूप, बोले साष्टी, साष्टी मतलब भगवान की जैसे ऐश्वर्य है ना, सबको पास में भी ऐसे ऐश्वर्य है सबको पास में। सारूप्य वहां पर सबके सब भगवान की निकट में वास करते हैं, और सालोक्य और उनकी लोक में सबके सब निवास करते हैं वैकुंठ में। इसलिए वैकुंठ में रोग शोक दुख कष्ट वहां कुछ भी नहीं, और यहां तक भी उनको जो मुक्ति पाने के लिए ज्ञानी इतनी कठोर तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या ज्ञानी करते हैं हमें मुक्ति मिल जाए, लेकिन जब किसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति मिल जाए ना, कहते भक्ति स्थिरतरा भगवान जदि सैवेन दिख किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुंदा जलि सेवत स्मान धर्म अर्थ काम समय प्रतिज्ञा। अगर किसके हृदय में प्रभु का प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, भक्ति प्रकट हो जाए, बोले जो धर्म अर्थ काम के लिए लोग जो इतने कष्ट करते हैं उनके चरण में लोट फोट खाते हैं, और जो मुक्ति के लिए इतने परिश्रम करते हैं, मुक्ति क्या करती है, कहते दरवाजा को बाहर हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है, प्रार्थना करती है मुझे भी थोड़ी सी कृपा करके तुम्हारी चरण की सेवा में लगा। लेकिन भक्त लोग उसको हटाते रहते, नहीं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, भागो यहाँ से, लेकिन दरवाजे को सामने हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। और भक्ति कहते कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नहीं तारित बिंदु। भक्ति में इतने आनंद है, भक्ति में इतने रस है, बोले कृष्ण प्रेम में भक्ति में जो आनंद है करोड़ों ब्रह्मानंद को मिलाने पर भी उसका एक बूंद का बराबर भी नहीं कर सकते हो, प्रभु की प्रेम में भक्ति में इतने आनंद है। इसलिए भगवान खुद कहते हैं मैं भक्तों को मुक्ति देना चाहता हूँ, भक्त मुक्ति देने पर भी मेरे भक्त मुक्ति ग्रहण नहीं करते, प्रभु आपकी चरण की हमें सेवा करो, ठाकुर जी की चरण की हमें सेवा प्रदान करो। इसलिए जो वैकुंठ लोग और यहाँ तक देखो वैकुंठ लोगों तो ऐसे ही है, लेकिन इसी मरते जगत में जो नारायण का भक्त रहते हैं ना, इसी मरते जगत में जो नारायण की भक्त रहते हैं। एक समय नारद जी नारायण से प्रश्न किया, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो, आपका कोई एड्रेस है कि नहीं, मेरे को लिखवा दो, कभी इच्छा होगा तो आपको थोड़ा मिल आऊंगा। देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय नच मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान स्वयं कहते हैं बोले नारद दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, लेकिन मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, दुनिया कहते योगियों का हृदय में रहता हूँ, मैं योगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ। बोले प्रभु कहाँ रहते हो, बोले मेरे को केवल एक जगह पर पाओगे, मत भक्ता जत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त बैठ करके मेरे कीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, वहीं पर। देखो ध्यान देकर सुनो, आप लोग कहाँ पर बैठो जानते हो, वैकुंठ में, बोलोगे वृंदावन में बैठे, कहाँ पर बैठे हो, बोलोगे वृंदावन में आप बैठे हो, साधारण जगह में बैठे नहीं। देखो इसका अनुभूति देखो, संसार में हम सब दुखी है, कोई तरह से
कोई मन से, कोई धन से, कोई बीवी से, कोई बच्चे से, कोई बहू से, कोई सास से, कोई ननद से, कोई तन से, कोई मन से, कोई हम सरसर दुखी दुखी है, लेकिन आपको कोई दुख अभी याद आ रहा है? बोलो, अभी कोई दुख हमको याद आ रही है? बोले क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं, जहां पर मेरे भक्त बैठ करके मेरे सत्संग कीर्तन करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूँ। जितने भी आपको लगता है यहाँ पर बैठे हो, आप बैठे हो श्री बांके बिहारी जी के चरण में, गोलोक वृंदावन में, ठाकुर जी के धाम में बैठे हो। इसलिए यहाँ श्री नारद जी कहते हैं, इसी मरते जगत में भक्त रहते हुए भी, ये मरते जगत में भक्त रहते हैं, लेकिन उनको ये मरते जगत मतलब मृत लोग है, लेकिन उनको ये आभास नहीं रहते। क्यों? हर समय प्रभु की कीर्तन, भजन, पूजा, पाठ, भक्ति में रमे रहते हैं। इसलिए ये संसार में रहते हुए भी, इसी संसार में नहीं, वो भगवान के सर श्री चरण में रहते हैं। इतने आनंद इसी मरते जगत में, प्रभु की भक्ति में इतने रस है। जब उन्होंने वैकुंठ की महिमा उन्होंने सुनाई, अभी नारद जी की तो मन में खिलबिल मच गई। बोले बाबा रे, ऐसे वैकुंठ लोग है भैया, तो वैकुंठ लोग तो जानी चाहिए। नारद जी उतावला हो गए, और जब जाने के लिए तैयारी हुई ना, इतने में श्री शंकर जी कहते, बोले इधर सुना। बोले क्या है? बोले देखो, जो वैकुंठ लोग है ना, वो भगवान के धाम, भक्तों का धाम ही वैकुंठ लोग है, और वैकुंठ में कौन रहते हैं? भगवान के भक्त रहते हैं, और भगवान की भक्त में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? बोले श्री प्रह्लाद महाराज। भगवान स्वयं कहते हैं, भक्त में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन? बोले श्री प्रह्लाद महाराज। भगवान के सबसे बड़े भक्त श्री प्रह्लाद महाराज। भगवान स्वयं भक्त की महिमा भगवान स्वयं कहते हैं। भैया हमारी उड़िया में एक भजन है, एका तू भक्त जीवन, भक्तों का जीवन कौन है? बोले भगवान। और भगवान का जीवन कौन है? बोले भक्त है, हैं? इसलिए भक्त निमंत तोर संख चक्र चिन्ह एका तू भक्त जीवन। भगवान क्यों ये संख चक्र को क्यों धारण करते हैं? केवल भक्तों को रक्षा करने के लिए ठाकुर जी ये सारे संख चक्र गदा पद्म को इसलिए ठाकुर जी धारण करते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव जी को भगवान कहते, फिर क्या कहते हैं? बोले न तथा मैं प्रियतम आत्म ज्योरी न शंकर। बोले हे उद्धव, भक्त मेरे जितने प्रिय है ना, कहते मेरा बेटा ब्रह्मा भी उतना प्रिय नहीं। आपको पता होगा बेटा कितने प्यारा होता है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे भक्त इतना प्यारा है, मेरे बेटा भी इतना प्यारा नहीं। बोले बेटा की बात छोड़ दो, न शंकर जो हरि हर एकात्मा श्री भोले बाबा, कहते भैया शंकर भी इतना प्रिय नहीं। बोले भोले बाबा की बात भी छोड़ दो, बोले श्री श्री मतलब लक्ष्मी जो मेरे हृदय में जो विलास करती है, मेरी लक्ष्मी जो पत्नी, आप देखना पत्नी कितना प्यारी है, हैं? अगर घर में लड़ाई भड़ाई हो ना, सास ससुर भाई हो, पति क्या करते हैं? अपना लक्ष्मी को लेकर अलग हो जाता है, सबके एक तरफ में कर देती है, और अपना लक्ष्मी को लेकर के अलग हो जाती है। भगवान कहते भक्त इतने प्यारा है, कहते भैया मेरी लक्ष्मी भी इतना प्यारी नहीं। बोले लक्ष्मी की बात छोड़ दो, कहते मेरे अभिन्न स्वरूप से बढ़ते हैं, कृष्ण देखने में काले और ताऊ भैया देखने में गोरे। बोले केवल इतना ही फर्क, और फर्क नहीं, लेकिन भगवान कहते मेरे अभिन्न स्वरूप श्री बलदेव भी इतना प्यारा नहीं। बोले बलदेव का बात छोड़ो, कहते मेरी आत्मा, भगवान कहते हैं मेरे आत्मा भी मेरा इतना प्रिय नहीं, ये भक्त जितने मेरे प्यारे। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। का ठीक से नहीं थे, जोर से बोलो, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल भगवान को बताए, भगवान की प्रिय सबसे भक्त है। इसलिए जिस समय दुर्वासा हम आगे सुनेंगे, जिस समय दुर्वासा भगवान तक पहुंचे,
भगवान स्वयं कहते हैं हम भक्त पराधीना जिय स्वतंत्र जीव दिज, मैं भक्त का अधीन हूँ है, इसलिए भक्त मेरे को नचा लेता है। अगर कभी गोपियां कहते कन्हैया तेरे को हम मक्खन खिलाएंगे, तेरे को मठा पिलाएंगे, थोड़ी सी नाच करके दिखा दोगे, बोले कन्हैया क्या करते हैं ठुमुक ठुमुक करके कृष्ण नाचना शुरू कर देते हैं, केवल एक चुल छाछ गोबर में नाचते हैं है? इसलिए भक्त भगवान को नचा देते हैं भगवान को, इसलिए कहते भक्त सबसे मेरे प्रिय। भक्त भगवान कभी कभी कहते हैं अगर मेरे ये बाहु मेरे हाथ अगर कभी मेरे भक्तों का विरोध हमें कही जाए मैं अपना हाथ को भी मैं काट दूंगा। भगवान इतने बड़ी बात कहते हैं, मेरे भुजा भी कभी भक्तों को इतने प्रेम करते हैं, और भक्त में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन, प्रह्लाद महाराज। इसलिए तब श्री शंकर जी कहते हैं जाओ भक्त देखना है ना, जाओ श्री प्रह्लाद के पास में जाओ, लेकिन एक काम करना कभी जाकर के उनको प्रणाम नहीं करना। प्रह्लाद कौन है, कौन सा प्रह्लाद, इनका चेला है, इनका शिष्य है ना, गुरु जी जाकर के शिष्य को प्रणाम करके अच्छा लगेगा, खबरदार कभी जाकर के उनकी हाँ प्रणाम नहीं करना, अपना चेले को कभी प्रणाम नहीं करना। जब उन्होंने ये बात को सुने ना, इतने में श्री नारद जी बिना बजात बजाते श्री नारद जी सुतल लोक में जहाँ श्री प्रह्लाद रहते हैं उनको पास में चल पड़े, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 जय जय राधा हरि बोल जय राधा रमण 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 हरि बोल। श्री नारद जी पहुंचे सुतल लोक में, जब सुतल लोक में पहुंचे कहते भक्ति नौ तरह का है, कितने तरह के, क्या क्या है, बोले श्रवणम कीर्तनम भीष्म स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति भगवान की नौ तरह से भक्ति की जाती है, लेकिन प्रह्लाद महाराज कौन सा भक्ति करते हैं बोलो, प्रह्लाद महाराज कौन सा भक्ति, कहते इनका भक्ति स्मरणार्थ भक्ति, हर समय भगवान को चिंतन में डूबे रहते हैं, इनकी स्मरणार्थ भक्ति इनकी श्रेष्ठ भक्ति है, हर समय प्रभु के चिंतन में ये डूबे रहते हैं। जब श्री नारद जी वहां पर गए देखा श्री प्रह्लाद महाराज एकदम ठाकुर की चिंतन में मन को डूबो करके रखे थे, और वहां पर पहुंचते हुए जब कीर्तन करते करते गए, इतने में श्री नारद जी अपना श्री प्रह्लाद अपना गुरु जी को देखा, मेरे गुरु जी आ रहे हैं, और गुरु जी आए तो क्या करनी चाहिए, गुरु जी की चरण की वंदना करनी चाहिए, गुरु जी की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं ना गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाऊं, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद किए, इसलिए प्रथम तो गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम। भगवान कहते हैं पहले गुरु जी की पूजा करो, उसको बाद में फिर मेरी पूजा करो, जो गुरु जी की पूजा किए बगैर डायरेक्ट मेरी पूजा करते हैं उसका पूजा निष्फल हो जाता है, उसका पूजा निष्फल हो जाता है। इन्होंने देखा गुरु जी आए ही, गुरु जी को देखते ही उन्हें खड़े हो गए। देखो नियम है, अगर भगवान की पूजा आप कर रहे हो, ठाकुर को पूजा कर रहे हो,
लेकिन अभी पूजा तुम्हारी पूरी नहीं हुई, अभी आधा है। अगर गुरु जी आ जाए क्या करनी चाहिए? ऐसे नहीं, बोले नहीं, बोले ठाकुर जी का पूजा को गुरु जी आए तो क्या है, बैठ जाए गुरु जी को हाथ में। इसलिए अभी तो मैं ठाकुर को पूजा कर रहा हूँ। इसलिए श्री इंद्रद्युम्न राजा ने यही किया था, जब अगस्त मुनि आए वो ठाकुर को पूजा कर रहे थे, अगस्त मुनि आए तो बोले आए तो बैठ जाएंगे, उसमें क्या हो गया, ठाकुर जी से थोड़ी बड़े हैं। इसलिए पहले मैं ठाकुर को पूजा करके फिर मैं अगस्त ऋषि को मैं सम्मान दूंगा। अगस्त ऋषि ने कहा तू तो ठाकुर को पूजा सेवा कर रहे हो, लगता है किसी शुद्ध साधु से संगत तुमने नहीं किया हो, किसी शुद्ध संत का सेवा नहीं किए हो, सेवा तो कर रहे हो ठाकुर को, किसी के अनुगत में तुमने नहीं सीखा। हाथी, हम देखना जो हाथी चलता है ना एकदम ऐसे चलता है, इसको हैं डोंट केयर, बोले तुम्हारी व्यवहार हाथी जैसे, चाह तू हाथी बन जा। अभिशाप दिया उनको और उन्होंने गजराज बनकर हाथी बन करके जन्म लेते। लेकिन वो तो ठाकुर का सेवा कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी रखा नहीं। बोले क्यों? बोले भैया मेरी पूजा पहले नहीं, पहले पूजा तो मेरे भक्तों का है, इसलिए जब भी तू मेरी पूजा कर रहा था, लेकिन करने पर भी जो नियम है जब कोई साधु गुरु आए पहले उन्हीं की सम्मान बाद में मेरी सम्मान, क्योंकि मेरी भक्ति के बारे में तुम्हें कौन बताएगा, संत तो बताएंगे ना, बताएंगे वही बताएंगे। इसलिए जब श्री नारद जी आए जद्य भी प्रहलाद भजन में बैठे हुए स्मरण में, लेकिन गुरु जी को दर्शन करते ही एकदम खड़े हो गए, गुरु जी की चरण की वंदना की, पुष्पांजलि की, उनको आसन दे करके बैठाए। फिर तो श्री नारद जी क्या किया, फिर नारद जी प्रहलाद की महिमा गाना शुरू कर दिया, बोले श्री प्रहलाद महाराज की। तो भैया इसका नाम प्रहलाद क्यों, इसका नाम क्या है? प्रहलाद। प्रहलाद मतलब क्या, प्र मतलब होता है पूर्ण रूप में, लाद मतलब होता है आनंद, जो पूर्ण रूप में आनंद है। बोले भैया पूर्ण रूप में आनंद कब जीव को मिलता है, जब जीव संतों की कृपा, जब भगवान की भक्ति करे तभी उसको पूर्ण रूप में आनंद मिलता है। बोले उसका पिताजी का नाम क्या है, क्या बोलो पिताजी का नाम? बोले हिरण्यकशिपु। बोले हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है, बोले हिरण्य मतलब होता है सुवर्ण, कश्यप मतलब होता है बिस्तरा, जिसका बिस्तरा ही सोने का, जिसकी बिस्तरा ही सोने का बिस्तर है, और इसका नाम प्रहलाद। बोले ऐसे क्यों हुआ, कारण क्या? बोले कारण है इसका बहुत लंबे चौड़ी कारण है, हैं इसकी लंबी चौड़ी कारण है। बोले एक समय ब्रह्मलोक से भगवान के चरण के तुलसी चंदन की सुगंधि वैकुंठ से बहते बहते ये ब्रह्मलोक में आया। ब्रह्मलोक में चतुसन ब्रह्मा के मानस पुत्र, ये पहले भगवान को निराकार निराकार बोलते थे, भगवान का रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, भगवान का निराकार 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 बोलते थे। लेकिन जब भगवान की चरण तुलसी की सुगंधि वैकुंठ से ये ब्रह्मलोक आए और चतुसन के नासिका में प्रवेश किया, इनको उन्माद कर दिया। बोले पिताजी इतने सुंदर सुगंधि कहाँ से आ रहा है? बोले बेटा ये वैकुंठ से भगवान की चरण तुलसी की सुगंधि। बोले पिताजी जिनकी चरण तुलसी की इतने सुगंध, वो कितने सुंदर नहीं होंगे? बोले बेटा ठाकुर जी बड़े सुंदर। बोले पिताजी एक बार दर्शन करके आ, जाओ दर्शन करो। जब चतुस्थान वहां गए छह दरवाजा तो पार हुए, सप्तम दरवाजा पार होना चाह रहे थे, वहां पर जय और विजय थे। बोले कहां जा रहे हो नंगे धड़ंगे बिना पूछे? अरे पता नहीं, अभी लक्ष्मी को साथ में नारायण किसी अवस्था में कोई पता नहीं, अरे कम से कम पूछो, हमें खड़े हुए जय विजय, कम से कम इतना तो पूछो भैया, अंदर में जाना चाहता हूँ, पहले हम प्रभु जी को पूछे, आदेश हो तभी तो जाओ। उन्होंने छड़ी लेकर के उन्होंने रास्ता बंद कर दी, जैसे सोए हुए किसी सांप को छेड़ दो ना, ऐसे जैसे उन्होंने चतुसन को छेड़ दी। चतुसन निकला क्या, हम जैसे ब्रह्म ज्ञानियों को पूछने का जरूरत है, ये स्थान का नाम वैकुंठ है, जहां पर जन्म मृत्यु दुख कष्ट रोग शोक भय क्लेश जहां पर है नहीं, और हम जैसे ब्रह्म ज्ञानी को पूछने का जरूरत, जाओ
तो वैकुंठ में रहने का लायक नहीं, राक्षस जन्म में तुम चले जाओ। अभिशाप दे दिए, अभिशाप दे दिए तो रोने लग गए। इतने में नारायण आए, बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे, बोले देखो अगर तुम तीन दोनों मेरे भक्त रूप में जाओगे ना, सात जन्मों के बाद में वैकुंठ में वापस आओगे। अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे, तीन जन्मों के बाद में वापस आ जाओगे। बोलो क्या चाहते हो? ठाकुर जी हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी आपकी श्री चरण में आ जाए। बोले जाओ राक्षस जन्म बन करके जाओ। वही सब सर्वप्रथम क्या बन करके आए? हिरण्यकश्यप बने। इनका नाम हिरण्यकश्यप क्यों? हिरण्य मतलब होता है सुवर्ण, अक्ष मतलब आंख, जिनकी आंखें में सोना ही सोना बैठा, मतलब सोने में जितने पाप का और भोग का स्थान, जिनकी आंखों में केवल भोग ही भोग है। और कश्यप मतलब बिस्तरा, मतलब जिनकी भोग ही भोग में, जिसने सोना है केवल भोग भोग, जिसके अंदर वासना है। बोले क्यों ऐसे हुए? पर जो चतुष्सेन है ये भगवान की भक्त है। अगर कोई भक्त जिसको अगर बिगड़ जाए ना, भक्त अगर तुम्हारी पर बिगड़ गए, बोले भैया तुम्हारी दुर्गति है, फिर तो हिरणा के हिरण्य कशु राक्षस बन गए। लेकिन ये प्रहलाद कैसे हुए? कहते जिस समय ये कयाधु हिरण्य कशु का जो पत्नी थी, कयाधु गर्भवती थी, जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया, इतने में इंद्र आकर के उसको पकड़ करके उसको ले जा रहा था स्वर्ग में। नारद जी आ गए, बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले गुरुदेव कोई बुरी भावना नहीं, उसको एक पिता दुनिया में टहलका बचा दिया, अगर इसका और एक बेटा होगा ना, ये बेटा और पुत्र मिलकर से लगता है हमको स्वर्ग से गलत नहीं, इसलिए ले जा रहा हूं। इसकी गर्भ में एक बच्चा है, जब ये बच्चा जन्म लेगा मार करके मैं छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा तुम्हें पता है इनका पेट में कौन है? इनका पेट में भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री प्रहलाद महाराज है। जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह तैरी हुई। ये भगवान की परम भक्त प्रहलाद है भैया, उसको कोई नहीं मार सकते हैं। इतने में उन्होंने छोड़ दिए, नारद जी उनको पत्नी को लेकर के, कयाधु को लेकर के अपना आश्रम में गए। और हिरण्यकश्यप ने 60,000 साल तपस्या की और उन्होंने गर्भ में नारद जी उनको कथा सुनाते रहे, और वो बच्चा गर्भ में बैठी बैठ करके सारे नारद जी के 60,000 साल उन्होंने भगवान की कथा सुनी है, ठाकुर जी की कथा सुनी पेट में बैठ बैठ करके। जो बच्चों ने प्रहलाद से पूछे, प्रहलाद तू जो इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बात बता रहे हो, भैया हमारा गुरु भी तो संडा अमर के ना, एक गुरु जी से तो पढ़े, लेकिन हमारी ये संडा अमर का तो ये ज्ञान कभी बताया नहीं, तुमको ये सब ज्ञान कहाँ से आए? तब श्री प्रहलाद ने कहा जब मैं माँ के पेट में था, नारद जी मेरे मैया को कथा सुनाते थे, मैया स्त्री थी ना सब भूल गए, और मैं पेट में बैठी बैठी सब याद कर लिया। देखो ये नियम है, जो गर्भ संस्कार, अगर पेट में बच्चा रहते हुए अगर माता है रामायण पढ़े, गीता पढ़े, भागवत पढ़े ना, वो बच्चा बड़ा संस्कार बनेगा। अगर डिस्को डांस देखो ना, फिर तो गुंडा बनकर आएगा पेट से। अगर छोटा बोतल पहले बगड़ाओ ना, बड़े होकर बड़ा बोतल बगड़ेगा। अगर उसको पहले छोटा बंदूक बगड़ाओ, बड़ा बंदूक बड़ा बंदूक बगड़ेगा। इसलिए बच्चे का जो संस्कार है ना, वो माँ के ऊपर निर्भर करती है, हैं? इसलिए कि लव कुश कैसे हुए इतने तेजस्वी, गर्भ में रहते हुए माता जानकी उन्होंने सत्संग सुने, भगवान की कथा सुने। इसलिए अगर किसी भक्तों की किसको पर कृपा हो जाए, फिर क्या होगा? आनंद ही आनंद है। इसलिए भक्तों की कृपा से प्रहलाद हुए, इसलिए इनका नाम क्या है? प्रहलाद। प्रहलाद मतलब क्या? प्रकृष्ट रूप में, पूर्ण रूप में जो लाद है, लाद मतलब आनंद है, हर समय जो आनंद में रहते हैं। भैया आनंद में कब रहोगे? जब भगवान की कथा सुनोगे, जब भगवान की भजन सुनेंगे, तभी तो आनंद मिलेगा ना। इसलिए एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्णा।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार आप लोग बोलो मैं समझा जोर से प्रहलाद को पास में पहुंचे। बोले प्रहलाद तेरे जैसे भगवान की भक्त दुनिया में कोई नहीं। उनने कितने उम्र में भक्ति की? 5 साल में। कितना उम्र में? 5 साल में भक्ति की। इनकी इतने दृढ़ भक्ति है। और जो भक्ति की आपको पता होगा कितनी बाधाएं आए। किसने मारने के लिए कोशिश की? पिता। उसको पिता ही मारने के लिए कोशिश की। देखो एक तो सत्य युग में तो एक हिरण्यकश्यप था, अभी घर घर में हिरण्यकश्यप हो गए। घर 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 में हिरण्यकश्यप हो जाए। बच्चा अगर सिगरेट फूंकता है ना बोले वेरी गुड, बच्चा बड़ा एडवांस कर रहा है। अगर लड़की बाजी करता बहुत बढ़िया है, शराब पीता और भी बढ़िया है, हैं? अगर गंदा काम करता है ना कोई रोकने टोकने वाले नहीं। लेकिन अगर गले में थोड़ा कंठी पहन लिया, तिलक लगा लिया, बोले ये कोई उम्र है तेरे भजन करने का? अभी अभी से इसे कंठी माला तिलक तू अभी से क्या बैठ लिया? तो उम्र है तेरे भजन करने का? लेकिन सिगरेट फूंक